जैसे करबला को हम जब करबला को पढ़ते हैं, करबला वो किताब है जो हक और सदाकत की किताब है, जिसको हमने बार बार पढ़ना है, मुताला करना है। अगर हम दुनिया में जुल्म बर्बरियत का खात्मा चाहते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह वक्त के यजीद को ललकारा और अपने बच्चे उसके भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इन जुलूस में आप देख रहे हैं कि बिला मजहब मिलत अब लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं, चाहे इसमें अब शिया बरादरी के लोग नहीं आते हैं, बल्कि मुसलमानों के जितने फिरके और गैर मुस्लिम भी अब देख रहे हैं कि अगर इंसानियत का कोई अलम बरदार है वो सिर्फ इमाम हुसैन और करबला के शहीद हैं। देख लीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि यजीद बर्बरियत कर रहा है, यजीद शराब में मस्त है, यजीद मस्तूरात के साथ ज्यादती कर रहा है, तो इमाम हुसैन निकल पड़े। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी और अपने मस्तूरात को लेकर आए मैदानी करबला में, उन पर वहां जुल्म बर्बरियत से उनको फिर शहीद किया गया। ये वो शहादत है जिसकी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर किसी हुकूमत पर कब्जा करना होता तो वो 6 महीने के अपने छोटे बच्चे को साथ नहीं लेते, 2 साल की बच्ची को साथ नहीं लेते, अपनी बहन को साथ नहीं लेते। उन्होंने सिर्फ हक और सदाकत के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और करबला में वारिद हुए और वक्त के यजीद को ललकारा।
और देख लीजिए अब इमाम हुसैन जो है ना वो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो इंसानियत के अलमबरदार हैं। और इन जुलूसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जुलूस हमें सदाकत का पैगाम देते हैं, ये जुलूस हमें शुजात को हमारे दिलों में हरारत पैदा करते हैं कि देख लीजिए अगर कहीं जुल्म और बर्बरियत है उसको हमने खत्म करना है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे प्यासे रहे, दुनिया में कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए। और ये मैसेज अब बहुत ज्यादा जारी है और आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में, लाखों लोग इन जुलूस में शामिल हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर हमने इंसानियत को बचाना है हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को बुलंद करना है, और इंसानियत को अगर हमने बचाना है हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को अपने लिए मशअल राह बनाना है, ताकि दुनिया में जुल्म बर्बरियत का खात्मा हो, चाहे कोई भी लोग किसी भी धर्म के साथ रहे वो चैन और सुकून की जिंदगी बसर करे।